किधर छिपा के रखे हो? यहीं पे है असरात, यहाँ बचने के लिए। मुझे पता था यहाँ असरात हैं, यहीं से निकलोगे, तुमको मैं निकालूंगा। यहीं से गला पकड़ते हो ना, हाथ बात जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब तो तुम्हारा काम 25 होगा। क्या दोगे बताओ? जो मांगूंगा वो दोगे मुझे? क्या दोगे? तेज बोलो, सुनाई दे रहा मुझे। जैसे क्या जैसे दोगे? बैठो, ऐसे क्या दे सक? पैसा भी दोगे, ताकत भी दोगे? अच्छा, वो देने के लिए अल्लाह काफी है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता था तुम यहीं पे छुप के बैठे हुए हो, अब मैंने वहीं पे पकड़ लिया तुमको। क्या दिमाग वाला तो मैं हूँ ही, पता है मुझे। तभी तभी तो इतनी दूर से आ रहे हो, 36 घंटे से। आप कुछ नहीं हो सकता, आप तो तुम्हारा काम 25 होगा इंशाल्लाह। मैं नहीं छोड़ा, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। तुम गला पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुमने परेशान करके रख दिया इनको, कितने सालों से काम धंधा करने नहीं दे रहे हो। अरे अब तो तुम निकल जाओगे, यहीं से निकालूंगा तुम्हें, तो परेशान मत हो, परेशान मत हो। तुम आप नहीं बच पाओगे। खून खून में छुपे हो, खून खून ही निकालूंगा, परेशान मत हो। अब ना तुम इसका गला पकड़ पाओगे, ना परेशान कर पाओगे। तो पकड़ना भी अब वो भी कम हो जाएगा। मुझे पता है तुम दिमाग से निकल चुके हो, दिल से भी निकल गए हो, और गर्दन में बैठे हुए थे, गला पकड़ते थे। अब मैं तुम्हें वहीं से निकालूंगा। क्यों ना करूं? तुम परेशान करो इतने दिन से, और मैं ना निकालूं? ये बेचारा 3 दिन का सफ़र करके आए झारखंड से, सॉरी 36 घंटे से, तुम्हारी वजह से परेशान है। क्या जादूगर को क्या मुंह दिखाओगे? मुंह मत दिखाना तो जादूगर को। अब तुम्हारा तुम किसी को मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं। बचपन से साथ नहीं हो तुम, ठीक है? बेवकूफ मत बनाओ। बचपन से लगे हो ना, आप निकल जाओगे, बस खत्म हो जाओ। अब जादू नोटिंग की मत करो, मार नहीं पाए जिंदगी भर तो अफसोस रहेगा। तो किसी को मार के क्या मिलेगा तुमको? तुम भी जियो, इनको भी जीने दो, ऐसे नहीं करते ना। अब कुछ नहीं होगा ना, अब यहाँ से भी निकल जाओगे। अब देखो, तुम भी जियो, जो भी हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, मैं नहीं मान सकता ना कि तुम अच्छा करोगे। जिन्नात की जो शर होती है ना, उसका जो फितरत होती है शर वाली होती है। तुम अभी मुझसे वादा करोगे, फिर परेशान करोगे। नहीं, कोई नहीं, बस अब ख़त्म। मैं अब इतनी परमिशन नहीं दे सकता, नहीं छोड़ूंगा। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, तुम खुद ही चले जाओ, ज्यादा अच्छा है, वरना मैं तो निकाल ही दूंगा। क्या मिलता है परेशान करके? हैं किसी को इसको मोहल्ले में हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते मोहल्ले में? कौन नहीं देखना चाहता? तो तुम इनके मोहल्ले में रहते हो? अच्छा, वो जादूगर भी तुम्हारे इन्हीं के मोहल्ले में रहता है? तो वो जादूगर मुसलमान है, हिंदू है? वो मुसलमान है और तुम हिंदू हो। अच्छा, वो तो मुझे पता है। चलो अब जो भी है, परेशान करना छोड़ दो। अफसोस हो रहा है ना? अफसोस कर मत करो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ।
नहीं छोड़ूंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, ठीक है? नहीं बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो तो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, बोलो ला इलाहा। गलत किया ना? अब मैं देखो तुम्हें कलमा पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुमको मैं मुसलमान करके छोड़ दूंगा। तुम कलमा तो पढ़ो, ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, पढ़ो ना, नहीं पढ़ोगे फिर जलोगे और मरोगे। मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको छोड़ दूंगा। हाँ तो पढ़ो ना कलमा, ये रख कप निकालवा दिए तुमने, कलमा पढ़ो चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो ना। आज मरना है या कलमा पढ़ना है, एक काम करो, मार दूँ, मार दूँ, मेरे पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मार दूँ तो कलमा पढ़ो फिर, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, बोलो मेरे साथ ला इलाहा बोलो तो, ला इलाहा बोलो। अरे गुस्सा, जिन्नात हुई गुस्सा दिखा रहे मुझे, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भागो, चलो भागो जाओ यहाँ से। पर मैं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जान से मारूंगा अगर कलमा नहीं पढ़ा तो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुसलमान हो गए मेरे, हो ना हाथ क्यों मेरा छुटा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ लो, अब मरोगे बेटा तुम, फिर मुझसे मत कहना। देखो अब मेरे हाथ में है ये ब्लेड, अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी भी वक्त है, इसे छोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बोलो अल्लाह के सिवा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, माशाल्लाह। अब तुम मुसलमान हो गए, अब तो गलत काम नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे ना, साथ में भी नहीं रहोगे तुम, तुम जिन्नात हो, तुम अपनी जगह जाओ और इसको छोड़ दो, पढ़ो फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तुम्हारा नाम है अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है? अब तो नहीं करोगे ना परेशान, माशाल्लाह। अब मुझे हिजामा करने दो, ठीक है? फिर कभी तो परेशान नहीं करोगे अब, पक्का सच्ची वादा? अब कहाँ जाओगे, मुसलमान होंगे, कैसा लग रहा है? अब तो शैतानियत नहीं है दिमाग के अंदर, यहीं पे बैठे थे ना तुम, यहीं से निकालूंगा मैं, परेशान क्यों हो रहे हो? सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका सैयदी या रसूलल्लाह वाला अलैका वस। कितनी दूर से आए हो? छत्तीसगढ़ से। तुम भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो? घर के सामने मोहल्ले में। अच्छा, अब नमाजें पढ़ना, मुसलमान हो गए हो, अल्लाह अल्लाह करना, बुरे काम मत करना, किसी को सताना मत, और वो जो जादूगर है उसको तुम्हें जाके सबक सिखाना है। नहीं उस, अब उसे सबक सिखाओ ना, वो तुम्हारी तरह किसी और को पैदा करेगा, फिर किसी को परेशान करेगा। नहीं करेगा ना पाक, जब दिल के अंदर ईमान होता है ना तो कोई मुसलमान जिन को नहीं पकड़ सकता, ठीक है? दरोशे पढ़ना, मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब छोड़ दो इनको, ठीक है? ठीक है।
छोड़ दिया ना, छोड़ दो, वेरी गुड। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन। चलेगा भाई? तो चले जाओ ना, कब जाओगे? इनविटेशन दूंगे जाने के लिए, जाओ, परेशान मत करो, बहुत हो गया यारी दोस्ती, मुसलमान हो गए हो, फैजान मदीना चले जाओ पाकिस्तान, बाबा जान के पास चले जाओ, उनकी मुरीद मुरीद बन जाओ, वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करो, बगदाद शरीफ चले जाओ। अरे बगदाद शरीफ चले जाओ, बोलना मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा नाम दे देना कि वहाँ से आया हूँ, बगदाद शरीफ चले जाओ, इंशाल्लाह सही हो जाओगे। ऐसे रहोगे तो भटकते रहोगे, कोई ना कोई जादू करने वाला तुमको फिर पकड़ लेगा, फिर किसी के पीछे लगा देगा, सही बोल रहा हूँ ना? तो बस अल्लाह अल्लाह करो और जाओ, बगदाद शरीफ चले जाओ, ठीक है, गौस पाक के पास, या सबसे अच्छा मदीना चले जाओ, तुम्हारा तो वीज़ा भी नहीं लगता, फ्लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। तो केस तो सॉल्व हो गया, अब तो तुम मुसलमान हो गए, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह मुबारक हो, अब तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है, अब मुझसे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ गए? अब गोश्त पाक के मुरीद हो जाओ, और इनको अब परेशान मत करना, आप बिल्कुल भी परेशान मत करना, देखो बहुत परेशानी, बहुत दूर से आए, छत्तीसगढ़ और यूपी बहुत दूर है, सफ़र करने में भी पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है ना? आप नहीं है, तुम बस अपना देखो, अब तुम चले जाओ, ठीक है, चले जाओ बस, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, माशाल्लाह। अब चला गया वो, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अब वो ये तो अलग चीज़ है, अब ये बताओ, अब तो होश में हो ना, अब तो कोई हाँ ना, अब तो वो चला गया ना, पर हाँ तुम्हें नहीं पता चलेगा, वो चला गया, उसने सलाम भी करके गया, वो खुदा हाफिज़ भी बोल के गया है, वो मुसलमान भी हो गया, उसका नाम अब्दुल अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है, और वो बगदाद शरीफ चला गया है, ठीक है, अब वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है, आप भी ये वादा करें, पाक रहोगे और 5 वक्त नमाजें पढ़ोगे, दिन में 313 बार दरूद शरीफ पढ़ोगे आप, और हमेशा अल्लाह अल्लाह और इस्तग़फ़ार करते रहोगे, ठीक है, बस आप खुश हो ना, हाथ मिलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और आपको शफाए कुल्ली अता फरमा दे, अस्सलाम वालेकुम। आपको फर्स्ट टाइम ही झंझन आया था? हाँ, बहुत तलवार चला रहा है, और अब 50% कम हो गया था, 50% कम दूसरे सेशन में। हाँ, सर पे भी लगाए ना? हाँ सर पे भी लगा, मेरे को लगा ना कि नहीं कुछ नहीं हुआ जब ये, हाँ दोनों जब कफ लगाए, एक्चुअली वो आपके गले में बैठा हुआ था, वो उसने मुझे अभी बताया है कि वो यही पता, इन दोनों पॉइंट मेरे को होश वाली हाजिरी आती है, हाँ इस कोने पे था वो, और वही आपका गला दबाता था यहाँ से, वो कह रहा था कि मेरा जो ताकत है वो अब आधी हो गई है, क्योंकि पुराना सेशन हो चुका है आपका नीचे, पर आपका यहाँ सेशन नहीं हुआ था, सिरका हो चुका था पहला सेशन, तो यहाँ पर वो अटका हुआ था, जो आप बोले ना गला दबाता सांस नहीं आता, तो जब मैंने यहाँ कप लगाया तो बोला यहाँ क्यों लगा दें, अब तो मर जाऊँगा, तो फिर वो उससे बातचीत हुई, वो मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा, अब वो अब चला गया है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है, अब तो बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा होगा ना? हाँ बस अब आप नॉर्मली रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ यहीं पे बैठा हुआ था वो गले में, अब तो बहुत कह रहा था मैं छोड़ दो, मैं जाने दो, कह रहा था बेचारे किसी उसको कमज़ोर इंसान पे जुल्म मत करो, ये मत करो, यानी क्या क्या बोल रहा था, उसकी ताकत ख़त्म हो गई थी ना हिजामा से, पहले हिजामा से, और वो यहाँ अटका हुआ था इन दोनों पॉइंटों पे, तो यहाँ से वो निकल गया। गर्दन पकड़ा हुआ है, ऐसा जाम लगता है। हाँ गर्दन में ऐसा लगता है किसी पीछे पकड़ रखी है, ये एकदम जाम, वो सही हो जाएगा, वो जब ये चीज निकलेगी तो सही हो जाएगा, एक बार और होगा ना भाई? हाँ एक बार और होगा, 15 दिन बाद आप बिल्कुल सही हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है, बस अब जल्दी से शादी कर लो आप, ठीक है,
क्योंकि शादी नहीं होती ना, कि से सब चीज़ें उन पे ज़्यादा हावी होती हैं। नहीं, जो भी आप शादी कर लें, ठीक है, शादी करेंगे तो ये सब चीज़ें अपनी आप ख़त्म हो जाती हैं, अब वापस नहीं आएंगी। ठीक है, अगर मैं आपकी काउंसलिंग नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि जिन्नात किन पॉइंट पे है। अब आप और जगह हिजामा वालों के पास जाते हो, वो सीधे सर पे लगा देते हैं नहीं नहीं आपके। मैं क्या सोचा बताऊं, कि क्या? आप लोग बोले कि अब ठीक हो गया, अपने आगे लगा कि अब मैं ठीक हो गया, वो भी चू नहीं रहा था, हाँ, मगर जैसे ये दो पॉइंट में जब लगाए नहीं, ना, उसने मुझे बताया ना कि मैं यहाँ छुप के बैठा हुआ था, इन पॉइंटों पे क्यों लगा दिया, मैं कोई एक्शन भी नहीं कर रहा था, मैं दिखा भी नहीं रहा था, मैं तो छुप के वो बैठा हुआ दिखा ही था। नहीं रहा था, वो हाँ, तो मेरा वो कहना हाजिर था नहीं हो रहा था ना, वो खाली छुपा हुआ था वो गर्दन चखा में। दे रहा था वो। और मैंने जब आपकी काउंसलिंग करी, मुझे पता चल गया कि आपकी गर्दन ही में है जो आपकी शेह रग होती है, उसके ऊपर हावी था वो। तो मैंने आपके शेह रग को डिटॉक्स किया, तो वहां से वो जिन्नात मैं निकल खींच गया। रहा थी इतने पास हाँ, होते, वो सब सही हो जाएगा, सब सब खिंच खिंच के निकल आएगा, दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब तो बिल्कुल सब नॉर्मल लग रहा होगा ना आपको, हाँ वो तो खिंचा रहा हूँ, नॉर्मल हूँ। सब कुछ नॉर्मल है, शरीर भी अब हल्का हो गया होगा और अब पेशी भी खत्म हो गई होगी, वो पता नहीं किस चीज़ का था, वो आ ही वो जाता है। चला जाएगा, परेशान मत हो। वो बोल के गया है मुझसे, इंशाल्लाह वो अब नहीं आएगा, अगर वफादार होगा तो वापस नहीं आएगा। पिछली बार तो कलमा भी नहीं पढ़ रहा था, इस बार उसने कलमा पढ़ा 3-4 बार और चला गया है वो, परेशान मत हो। बाल वगैरह हेयर प्रॉब्लम वाले से हेयर वेयर प्रॉब्लम तो सही हो जाएगी, जब जिन्नात चला गया था, हेयर क्या है, इसी से हो जाएगा कि इसी से हो मतलब, जाएगा, इसी से हो जाएगा। पर अभी पहले जिन्नात का कंप्लीट इलाज हो जाए ना, फिर उसके बाद जो है ना सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे जैसे अभी आप ब्लड चलाए तो कुछ नहीं होता, तुम पर असरात नहीं रहता तो कुछ नहीं होता है, हम लोग असरात वाले हैं तो लगा, उस दिन तो लग रहा था कि तलवार चला रहे हैं आप। हाँ, वो असरात की वजह से लग फील होता है ऐसा, वो असरात जो होते हैं ना वो होने नहीं देते हैं, तो कैसे भी इंसान को फील कराते हैं। अब वो भाई का सच में उनको बुखार आ गया था, हाँ मेरा होगा देख करके। अरे हाँ घबरा गए थे वो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दरबार में तो कितना होता है सब वो चीज। दरबार में नहीं आते ना, वो डॉक्टर के पास आए थे, और अच्छा, डॉक्टर के पास किसी पे पेशी पड़े तो दूसरा पेशेंट जो होता है वो तो घबरा जाता है ना। मेरे तो नहीं लगता कि दोबारा वैसे मिलेंगे कभी वो। नहीं, हाँ मिलेंगे नहीं, वो सही हो गए हैं, वो घबरा गए थे परेशान। अब तो माशाल्लाह हंस भी रहे हो, सारे काम हो रहे हैं। मेरे यूट्यूब के व्लॉग देखते हो, हम पूरा देखता हूँ तो, सारी वीडियो देखते हाँ हो? तो अरे गजब, जिन्नात वाला मैं आज से देखा हुआ हूँ, मेरे को लग रहा है 6-7 महीना पहले से देखा हूँ मैं। जिन्नात वाली जो वीडियो है हाँ तो उसी को देख के आए हो आप? हाँ, नहीं, मुझे पता था हिजामा करवाना है, रोज दुआ करता था, मतलब अब जब मैं आगरा आया ना तो बाबा के पास भी गया, तो मैं दिल्ली आया, फिर हजरत निजामुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनसे दुआ मांगा, मैं बोला जा रहा हूँ अब हिजामा करके गरीब नवाज के दरगाह ही बैठूंगा, अब जो होगा वही होगा, फिर मैं यहाँ पर एक चांस लेने के लिए आ गया, मगर जिंदगी भर बाल देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, तो हो गया, यहाँ से करवा के गया तब रात भर करंट मार रहा है, वो मगर परेशान कर रहा होगा जिन्नात। सवेरे सवेरे तो और बेकार लगे, फिर गरीब नवाज के यहाँ कदम रखा मैं, उसके हाँ बाद कहाँ दुनियादारी, ना जिन्नात तो जम करके खाया पिया एकदम, खा पी के एकदम बड़ा वाला मंगाया एकदम पूरा, रोटी 4-5 टोर, हाँ मगर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब तो ख़त्म ही हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी बिगाड़ते हैं क्या ये सब चीज़? जो क्या कहते हैं, जो जिन्नात होते हैं ना, वो सिर्फ जो अल्लाह की तकदीर है उसको नहीं बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीमारी होती है, काम बिगाड़ देती है, तो ये भी ऐसी है, अल्लाह की तकदीर में होता है कि आपकी तकदीर में ये आजमाइश थी, इसलिए ये आपके ऊपर हावी हुआ। अगर अल्लाह की परमिशन ना होती तो ये कुछ नहीं कर सकता था, ये आजमाइश थी, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, वो निकल गया। बस सिंपल, जैसे बीमारी होती है ऐसी ही बीमारी होती है, ये रूहानी बीमारी होती है बस। अब वायरस जो है, कोरोना जो है, वो भी तो एक कोई जीव है ना जो लोग मार रहा है, ऐसे जिन्नात एक जीव होता है जो हमें दिखता नहीं है, पर उससे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले, वो 100 साल पहले कोई मान भी नहीं सकता था बैक्टीरिया होता है, पर अब मानते हैं सब लोग। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ होती नहीं है, हवा भी तो नहीं दिखती हमको, पर हवा होती है ख्वाब ना। में, ख्वाब में एक दिन देखा वो क्या जिन्नात अगले गला पकड़ रहे हैं, ख्वाब में देखा? हाँ
तो जब मैंने किसी को झाड़ के फूक नादे अली से झाड़ के फूकना शुरू कर दिया ना, तो ख्वाब में एक जिन्नात आए लंबे लंबे कान नाखून वाले, मेरे गला पकड़ लिया। अच्छा, इस औरत और लेडीज को क्यों फूक रहे हो, दोनों में से कोई एक राक्षस है। अच्छा, ये बोला तो मैंने पूछा तुम कौन, तो बोलता मैं हजरत सुलेमान का जिन। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का जिन था? तो अगर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का जिन थे तो गला क्यों पकड़े मेरा? हो सकता है कि उनके जमाने का जिन हो, उनका जिन ना हो, उनके जमाने का हो। हाँ, जब से वो गला पकड़े है ना, हाँ, तब से जो मेरे को मुसीबत हुआ है ना, तेरी हो गया मेरे जिंदगी के अंदर भी सब। पहले अब सही हो गया, अब सब निकल गया, सारे कप फुल हो गए, जिन्नात इसी के अंदर है, और वो तो पहले ही जा चुका है, उसके जो असरात होंगे वो भी इसमें निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक दरगाह है शेर अली बाबा जी, वहाँ से जब से माया ना और हुसैन टेक लिया तब से मेरे को ना 50% मेरा जान वापस आ गया जी जी, और अभी यहाँ से गरीब नवाज से गया तो समझ लीजिए 70-80% तो जान वापस आ ही गया, मतलब बहुत बेचैन रहता था खूब। चलो माशाल्लाह सही हो गया ना, बस ये है।